नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई भंवर लाल जी, 5 साल पहले अभिषेक को देखा था, लेकिन विलायत से लौटने के बाद तो इसका नक्शा ही बदल गया। आप रोजू तो मारो सर सरकार, ये विलायत से जरूर लौटो है, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे पानी में कोई मोम डुबो को निकाल ले। ना वहां को रंग चढ़ो है, ना ढंग, एकदम चोखो आए हुए चोखो। अरे तभी तो हमने इन्हें अपनी बहन के लिए पसंद किया है। ये लो मधु आ गई। आओ मधु आओ, इनसे मिलो। ये है निगमपुर के राजकुमार अभिषेक सान्याल, ये इनके चाचा जी हैं और ये है हमारी बहन मधु। नमस्ते। नमस्ते। सुंदर, अति सुंदर। बंदर, पूरा बंदर। ये आपने कुछ कहा? जी जी नहीं, हाँ हाँ, आपकी तारीफ कर रही थी। अरे तारीफ तो इनकी जितनी की जाए कम है। सैकड़ों मिले और फैक्ट्रियां हैं और दर्जनों आलीशान कोठियां हैं। हाँ, और जिस कोठी में मैं रहता हूँ ना, उसके पीछे हमारा पर्सनल चिड़ियाघर भी है। फिर तो ये सब वहीं रहते होंगे। आपने कुछ कहा? जी नहीं, जी हाँ, कह रही थी कि आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, हम आपके लिए नाश्ता लाते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बहुत ही सुंदर और सुशील बहन है आपकी, बिल्कुल मारो भातीजे की तरह। भाभी, ये फुंद्रू कौन है? शी ऐसा नहीं बोलते। अरे रजवाड़े है, करोड़ों की जायदाद है इनकी। तेरे भैया तेरा रिश्ता तय कर रहे हैं उससे मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। अरे मैं उसको अपने घर में नौकर भी नहीं रखूंगी। भाभी, मैंने अपना राजा चुन लिया है। क्या? और आज उनसे मुलाकात का वादा भी है। रंगलानी साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये कंटेनर कोल्हापुर पहुंच जाएगा और ये दोनों कंटेनर मैं गोदी पहुंचा दूंगा। आज मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, तुम्हारी भाभी को शॉपिंग के लिए लेके जाना है, नहीं इधर थोड़ा संभाल लेना। रंगलानी साहब, आज मैं भी थोड़ा जल्दी जाना चाहूंगा। अरे बाबा, तुम्हारा तो शादी नहीं हुआ, घर जल्दी जाके क्या करेगा? अच्छा अच्छा, और तुम्हारा कोई लफड़ा चल रहा है नहीं? जाओ बाबा जाओ, मजा करो। थैंक यू सर। हेलो, मधु से मिलने जा रहे हो? आपकी तारीफ। निशा, मधु की सहेली। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मधु तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही है। क्या? जी हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाना उस अमीरजादी का शौक है, और इस बार ये तमाशा उसने तुम्हारे साथ किया है, महज 1000 रुपए की शर्त के लिए। झूठ बोल रही हो तुम। और अगर ये बात सच साबित हुई तो? मैं उस अमीरजादी को कभी माफ नहीं करूंगा। ये ले मधु, तेरी शर्त के पैसे। पूरे 1000 है ना? हाँ भाई, पूरे 1000 है। एक बात तो है मधु, तुझसे शर्त में कोई जीत नहीं सकता। वाकई तूने राजा को एक ही दिन में अपना दीवाना बना दिया। जाने, हम जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और शर्त के पैसे हम अपने पास नहीं रखते। खाओ पियो मौज करो, बिल हम देंगे। राजा तुम शट अप, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लेना। तुम्हारी असलियत अब मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। देखो राजा, मैं मानती हूँ कि मैंने शर्त लगाई थी, लेकिन सच तो यह है कि आई रियली लव यू। अरे तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं, वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक शर्त है, महज 1000 रुपए की शर्त। ये तो अच्छा हुआ कि निशा ने मुझे तुम्हारा असली रूप दिखा दिया, वरना मैं तो तुम्हारे झूठे प्यार को सच समझ बैठा था। अब आइंदा कभी मुझे अपनी गंदी शक्ल नहीं दिखाना, समझी? राजा, 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 प्लीज मेरी बात सुन लो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो तो बातों बातों में मुझे उकसा दिया था उसने, इसलिए मैंने वो शर्त लगा दी, वरना मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, सच्ची। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझी? मेरी बात तो सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो और कह दो कि यू लव मी। आई हेट यू। टेल मी यू लव मी। आई हेट यू। प्लीज टेल मी यू लव मी। आई हेट यू। नहीं बोलेगा? कभी नहीं। तो ये ले। ये क्या कर रही हो तुम? अभी बताती हूँ। चोर, चोर! अरे! चोर! चोर! अरे चोर लड़के का पर्स मार रहा है! अरे हवलदार, हवलदार चोर का पर्स मार रहा है! वो सामने! अरे मैंने! अरे मैंने! अरे वो सामने! बचाओ! हाँ जल्दी! अरे ये पकड़ो इसे! अबे साले, लड़के का पर्स चुराता है? चोर कहीं का? हवलदार साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ यार। मेरा पर्स, ये मेरा पर्स है साहब। अच्छा आपने इसे पकड़ लिया। मधु ये क्या मजाक हो रहा है, बता दो इनको मैं कौन हूँ। मैडम आप इसको पहचानती हैं? अरे नहीं साहब, मुझ जैसी शरीफ लड़की इस जैसे चोर उचक्के को थोड़ी पहचान सकती है। तो ये झूठा है साला, चल तुझे थाने ले जाकर अब मजा चखाता हूँ। एक मिनट साहब, मैं इस चोर से 2 मिनट थोड़ा प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। देखो राजा, अभी वक्त है, कह दो कि यू लव मी। अगर मुझे फांसी भी हो जाए ना, तब भी मैं तुझे नहीं कहूंगा आई लव यू, समझी? ले जाओ इसको।
कहता है नहीं सुधरूंगा। चल, ले जा। ये तूने क्या कर दिया मधु, राजा को बंद करवा दिया? तो और क्या करती, वो आई लव यू बोलने को तैयार ही नहीं था। तूने तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अब वो जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। तो अब मैं क्या करूँ? अब तू उसके घर वालों को अंदर कर, यानी उनको भी जेल भिजवा दूँ। फैंटास्टिक। अरे इडियट, अंदर का मतलब है उनको जाकर पटा। पटाती हूँ, ऐसे पटाऊंगी कि देखते रह जाओगे। ए बिरजू, अब्दुल कह रहे थे राजा रात भर घर नहीं लौटा। हाँ, वो ही सोट सोट के तो मेरी जान निकली जा रही है। हाय गैया, जब जवान लड़का रातों को घर से गायब रहने लगे तो समझ लो नदिया में बाढ़ आ गई। अरे चुप कर पागल, जब देखो नाप शनाप बकता रहता है। तुमने राजा का फैक्ट्री में पता करवाया? हाँ काकी, वो कल वहाँ काम पर भी नहीं गया था। ओए बाबा, दिन में काम पर नहीं गया, रात में घर नहीं पहुँचा, फिर गया कहाँ? मैं बताती हूँ, रात भर वो मेरे साथ था। देखी तू कौन? अपने राजा की रानी। अब आप पूछेंगे कैसे घटी ये कहानी, तो काकी ये बात है 2 साल पुरानी। ओए बाबा, तुम राजा को 2 साल से जानता? हाँ, हमारे दिलों की गाड़ी प्यार की पटरी पर 2 साल से दौड़ रही है, लेकिन कल रात को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, 2 गाड़ियों का नहीं, 2 निगाहों का, 2 दिलों का। वो कैसे? रात का वक्त, तूफानी बारिश, पुराना खंडर, हम दोनों सर्दी से कम कपा रहे थे। राजा ने किसी तरह आग जलाई, एक तरफ आग जल रही थी, दूसरी तरफ हम जल रहे थे, और दूर कहीं वो गाना बज रहा था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए तराना। चुप, मुँह है 25 ग्राम। फिर क्या हुआ बहना? फिर क्या? फिर उसने मुझे दिलीप कुमार स्टाइल में देखा, मैं वैजयंती माला की तरह मुस्काई, फिर उसने राजेश खन्ना की तरह मुझे आंख मारी, मैं शर्मिला की तरह शर्माई, फिर उसने अमिताभ की तरह मेरा हाथ पकड़ा, मैं रेखा की तरह कसम साई, देखते ही देखते उस पर शत्रु सवार हुआ, मैं रीना की तरह घबराई, उसने धर्मेंद्र की तरह मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मैं हिमा की तरह सटपटाई, तड़पटाई, छटपटाई, लेकिन अरे लेकिन क्या हुआ? राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हरी दिया, यानी डींग डोंग हो गया। हाँ, और सुबह होते ही वो मुझे प्रेम चोपड़ा की तरह छोड़कर चला गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अगर राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मार डालूंगी अपने आप को, बिना पति के सती हो जाऊंगी, मैं मार डालूंगी अपने आप को। अरे मैं अपने आप को मारियों को ही देख नहीं रहा, देखो मैं अपने आप को मार रही हूं। तो क्या करिए मेरी बच्ची? अब मैं जी कर क्या करूंगी काकी? नहीं बेटी, तुझे जीना होगा। राजा भैया आ गए। आने दो उसे, उसे मैं आज ठीक करती हूँ। काकी, ये आपका घरेलू मामला है, आप ही सुलझाइए, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, तू जा। और नाम राजा भैया, क्या बात है, बड़े फ्रेश लग रहे हो। फ्रेश लग रहा हूँ तुझे मैं, फ्रेश लग रहा हूँ तुझे मैं। अरे रात भर में तेल निकल गया मेरा। हाँ मालूम है मालूम है, कहाँ तेल निकल कर आ रहे हो? अरे जाना जाना यार। हाँ जा 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 अंदर, तेरा बच्चा कुछ सारा तेल निकलने वाला है, माटी मिले। आ गया मुंह काला करके। हे भगवान, इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं रात भर हवालात में बंद था? मतलब आप लोगों को पता चल गया मैं रात भर कहाँ था? अरे पता ही नहीं चला, पूरी रिपोर्ट आ गई है। देखो काकी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो उस लड़की ने फंसाया था। हाँ, इसको वो लड़की ने फंसाया होगा। अरे चुप कर, दूध पीता बच्चा है ये, उसने फंसाया और ये फंस गया, शर्म नहीं आई तुझे उसकी इज्जत से खेलते हुए? अरे छोड़ो ना काकी, उसकी काय की इज्जत, इज्जत तो मेरी खराब हुई है। अरे वाह, फल खुद खाया और छिलका दूसरों पे फेंक रहा है। अरे क्या फल की बात करते हो, वहाँ तो बासी रोटी तक नहीं मिली,
रात भर भूखा सोया हूँ लॉकअप में। हाँ हाँ काकी, लॉकअप में। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़की से नहीं कहा कि आई लव यू, बस इसलिए फंसवा दिया उसने मुझे। माँ कसम काकी, अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो वो हशर करूंगा कि आईने में शक्ल नहीं पहचान सकेगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा थूको, पानी पी लो। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? काकी यही है वो लड़की जिसने मुझे फंसवाया था। बता बता के सच्चाई क्या है, बोल बोल, नहीं तो देखा है। बताती हूँ, मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा सब झूठ था। सच तो ये है कि मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करता। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। अब मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हम भी अपनी उंगली टेढ़ी कर देते। ए, अपनी उंगली को काबू में रखो हाँ, और निकलो यहाँ से। चलो चलो, और तुम भी चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। ए, धक्का मत मारना, भेड़ है अपनी। क्या ए भेड़ के टके, अपनी भेड़ को संभाल और राखी बनवा। और तू किधर चली? चल चल बाहर निकल, तू चल चल। कमाल लड़की है, अभी थोड़ी देर पहले उछल उछल के नाच रही थी, अभी रो रही है। एक बात बता, तू राजा से बहुत प्यार करती है ना? तू फिक्र मत कर, तेरा पपलू मैं फिट करता हूं। इसके लिए मेरे को थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। उफ, तूने तो मेरी जान निकाल दी माटी मिले। मेरे को तेरे से मोहब्बत हो गई है। ये चिड़िया चील कैसे हो गई? अब मैं तेरे को बताता हूँ, ये चील चूंच कैसे मारती है। आ, देख बिरजू, जवानी की बात और थी जब मेरा तुझ पर दिल आया हुआ था, लेकिन आजकल मेरी सेटिंग कहीं और चल रही है। क्या? मेरे होते हुए तेरी सेटिंग कहीं और चल रही है? इससे पहले तू अपना मुंह काला करे, मैं आज ही तेरी मांग में सिंदूर भरता हूँ। चल चल कलंकिनी, चल तू। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। क्या? राजा बता मुझे। चल चल मेरी जान मंदिर में। आप कोई मंदिर मंदिर नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं इसका सुहाग हूँ राजा। कोई सुहाग वाग नहीं, मुझे चलिए। ये बेवा हो जाएगी, ये विधवा कमीनी, भागते का इधर आ। चलिए आप यहाँ रहिए, बेवा हो जाएगी। कुछ नहीं होगा उसे। काकी ये क्या हो गया बिरजू भैया को? पता नहीं राजा बेटा, सुबह सुबह मेरे घर आया, बोला मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जो तेरी फूफी है ना, जो गाँव से आई है, उसने उसे घुटी दे दी। घुटी? हाँ, ये है वो घुटी की बोतल। बिरजू भैया पूरी की पूरी घटक है, उसी का नतीजा है। सोने का भसम, लेकिन आपकी फूफी है कहाँ? फूफी, ओ फूफी। ओए पुत्तर, देख के नहीं चल सकता है? कौन हो तुम? ये है मधु। मधु? फूफी। अरे ओ फूफी, मेरा भाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये कौन सी दवा पिला दी आपने उसे? ओए केड़ी दवाई पिला दी? ओए ए बंदा है, सारी दवाई पी गया? हाँ। ओए गड़बड़ हो गई भाई, गलत दवाई दे दी मैंने। ए फड़, इसके अंदर सोने का भसम हैगा, और 8-10 दिन तक इसका असर नहीं उतरना। हाँ, 8-10 दिन तक इसका असर नहीं उतरेगा ना? अरे फूफी, इसका कोई तो उतारा होगा। ओए उतारा तो है, पर जड़ी बूटी लेने वास्ते जंगल जाना पड़ेगा। अरे फूफी, तो फौरन मेरे साथ चलो। ओए, तू की मेरा खसम लगता है, जब तेरे नाल मैं जंगल जावांगी। परे हट, मैं नहीं तेरे नाल जावांगी। तू कैसे नहीं चलेगी? तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो जबरदस्ती उठा के लेके जाऊंगा। चल। ओए, तू मैनू जबरदस्ती चुक के ले जाएगा? हाँ। मैनू? हाँ तेनू। अरे छोड़ो ना, एक फूफी बोल देता हूँ तुम्हें। फाड़ में गई तेरी फूफी, पंगा ना ले मेरे नाल। हाँ, ये पंगा पंगा क्या कर दिए? सीधे तरह से जंगल जा, नहीं तो दूंगा एक रख के मोटी। ओए तेरी बहन सड्डी बहन, मेनू मोटी कहंदा है? तेरे प्यो दा खांदी हूं क्या? हाँ खोते। अरे तेरे प्यो दा खांदी हूं मैं, मेनू मोटी कहंदा? अरे परे हट, शराबी दी औलाद, तेरे प्यो दा खांदी हूं मैं। ओए छड़ मेनू। अरे मैं भैया छोड़, फूफी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इसको छोड़ दो वरना ये मर जाएगा। अरे फूफी, ओए तू इन्हें प्यार दे नाल कहना है तो छोड़ देती हूँ इस मच्छर नू।
कुत्ता, ओए कोई मेरे नाल प्यार से बात करे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने वास्ते तैयार हूँ। चल मुंडिया जंगल चले, चल अब होगा जंगल में मंगल। उपी, ये पहाड़ों के चक्कर काट काट कर मैं थक चुका हूँ, कहाँ मिलेगी वो जड़ी बूटी? कुछ पाने वास्ते मेहनत तो करनी पड़ती है ना मेरे राजा। ये क्या कर रही हैं आप? एक बात कहूँ, तू मेनू बड़ा सोना लगता है। देखो उपी, बहुत हो गया, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तुझे। क्या बेहूद किया ये? शर्म नहीं आती तुझे ऐसे पढ़ते हुए? नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी ये। ये हवा निकल गई सिटी 200 किलोमीटर दूर, ये नाइटिन जंगल 1-2 का 4। ये कोई 1-2 का 4 नहीं होगा, मैं अभी यहां से निकलने का बंदोबस्त करता हूं। you
कमॉन राजा, कमॉन, फैंटास्टिक, डू इट, कमॉन राजा, कमॉन, फैंटास्टिक, यू कैन डू इट, कमॉन राजा, या, दैट्स इट, कमॉन राजा, कमॉन, यस, फैंटास्टिक, यू ग्रेट, सुपर, राजा, यू ग्रेट, तू सी ग्रेट हो, कमॉन राजा, डू इट, कमॉन, और ट्विस्ट, कमॉन, कमॉन राजा, यू कैन डू इट, कमॉन, यू कैन डू इट, कमॉन राजा, यू डिड इट. तुम कुछ भी कहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. अगर तुम सीधी तरह से मान जाते तो ना मुझे बुढ़ी पना पड़ता, ना हमारे जीप का टायर पंक्चर होता और ना ही हम इस जंगल में फंसते. देखो अब भी वक्त है. अरे मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो. ये क्या प्यार 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 लगा रखा तुमने? बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे. हाँ राजा, जो मैं कहूंगा वो करोगी? आजमा कर देख लो. उतार अपने कपड़े. मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं अभी इसी वक्त. कम ऑन. नहीं राजा, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? ये मेरा तरीका है. तुम मुझे हासिल करना चाहती थी ना, तो मेरी मर्जी भी पूरी करनी होगी. अपने आप को मेरे हवाले करना होगा. नहीं राजा, तुम चाहे तो मेरी जान मांग लो, लेकिन मुझे तेरी जान नहीं, तेरा जिस्म चाहिए. नहीं, मैं जानता था तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत सब ठकुरसला है, नाटक है नाटक. राजा मेरी बात तो सुनो राजा. I love you. I really love you. No. You don't love me. तू भी झूठी और तेरा प्यार भी झूठा. ठहरो राजा. अगर तुम्हारा प्यार पाने का यही तरीका है, अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, सुनो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़. आओ बुझा लो अपने मन की आग, रोन डालो अपनी मर्यादा और मेरी पवित्रता को. आओ राजा आओ. I said come on. पवित्रता मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है. वासना मेरे प्यार की कसौटी नहीं है, ना ही अपनी मर्यादा को भूला हूं मैं. तुम्हारे प्यार पे भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की मैंने. मुझे माफ कर दो मधु, मुझे माफ कर दो. जब मेरा नाम राजा है तो तुम्हारा नाम तुम्हारे घर वालों ने रानी क्यों नहीं रखा? भैया जब इसका नाम राजा है तो मेरे नाम रानी क्यों नहीं है? राजा? हाँ, तुम्हारे बचपन का राजा. राजा, राजा.